मौजूद दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश हमदीद मौजूद दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि यार हमें जो है पॉइंट जो है वह ढूँढने नहीं आते कि किसी चीज़ का किसी स्पीकर का किसी माइक का या किसी और चीज़ का कनेक्शन अंदर से टूट जाता है बोर्ड से और हमें पता ही नहीं चलता कि ये दरअसल कनेक्शन बोर्ड के अंदर कहाँ से आया था कौन से आईसी से आया था कहाँ कहाँ से इसको गुजरा था इसके जंपर कहाँ से आते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बाज़ का तो हमारा माइक नहीं चल रहा था माइक हम चेंज भी कर दे तो माइक फिर भी नहीं चलता स्पीकर का मसला है स्पीकर चेंज भी कर दें तो स्पीकर नया भी डाल दें फिर भी नहीं चलता क्योंकि असल में उसके जो दो कनेक्शन होते हैं ना स्पीकर के माइक के हैं तो वो अंदर से कनेक्शन ही टूटे हुए होते हैं इसलिए किसी भी चीज़ के कनेक्शन जो है अंदर से टूट सकते हैं टूट जाते हैं तो वो हमें जो है चीज़ नहीं डालने पर भी वो चीज़ नहीं चलती वो कनेक्शन जो है हमें ट्रेस करने पड़ते हैं कि इसके कनेक्शन जो है दरअसल कहाँ से आए थे तो दोस्तों ये जो कनेक्शन ढूंढना है काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें इसमें जो है तीन चार टेक्निक्स हैं जिससे आपको जो है पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर मैं टेक्निक जो है आपको एक टेक्निक बताने लगा ये जो है मोस्ट ऑफ मोबाइल्स पर एप्लीकेबल है लेकिन इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं और वीडियोज़ के अंदर मैं आ, वो भी बताऊँगा लेकिन ये जो एक अहम टेक्निक है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपसे डिस्कस करने लगा हूँ मेरा ख्याल है कि हर मोबाइल रिपेयर करने वाले को इस टेक्निक का पता होना चाहिए तो ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है इसका मैंने स्पीकर चेंज भी किया लेकिन फिर भी नहीं चलता आप देखें ये मेरे पास मल्टीमीटर है, है ना तो मैं इसके दोनों तार तो पर से मैं टच करता हूँ बीप की आवाज़ आती है इसको मैं अपने कान के पास लाकर आपके कान के पास लाकर जब इसके दोनों पिनों को यहाँ से टच करता हूँ तो देखिए स्पीकर के अंदर से आवाज़ आ रही है स्पीकर इसका बिल्कुल ठीक है तो जबकि प्रॉब्लम आप जो है कन्फर्म हो चुका है कि प्रॉब्लम जो है इसके बोर्ड के अंदर है तो अब हम बोर्ड के अंदर से प्रॉब्लम को ट्रेस करते हैं दोस्तों ये मेरे पास मल्टीमीटर है इसको मैंने इसको एक्स वन के ऊपर सेट किया हुआ है अगर मैं इसकी दोनों पिने आपस में मिलाता हूँ तो आप देखिए सुई जो है आगे को जा रही है ठीक है जनाब ये हमने इसको यहाँ पर सेट कर लें अब आइए ट्रेसिंग के ऊपर कोई भी पॉइंट हो अगर आपने जानना हो कि पता नहीं है मिस है भी कि नहीं है सबसे पहले तो ये कंफर्म करना ज़रूरी है ना कि हमें यह पता चले कि पॉइंट मिस है भी या मिस नहीं है तो हमेशा याद रखिए जो एक है ना आपकी माइनस वाली है ना आपने किसी भी नेगेटिव के ऊपर रख देना ये भी नेगेटिव होता है ये जो नीचे ये भी नेगेटिव होता है ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये सारी चीज़ें नेगेटिव से कनेक्टेड होती हैं किसी भी एक नेगेटिव से मैंने इसको कनेक्ट कर देना अच्छा जी जब दोस्तों आपने इसको नेगेटिव के ऊपर कनेक्ट कर दिया ना अब अगली आपने प्रॉब जो है ये दो स्पीकर का प्रॉब्लम है ना स्पीकर के ऊपर बारी बारी रख के देखिए यहां पर मैं इसकी एक प्रॉब मैंने रखा तो ये देखिए सुई आगे को चलेगी इसका मतलब है कि ये जो इसकी प्रॉब है ना ये प्रॉपरली बोर्ड से कनेक्टेड है ये देखिए ये बोर्ड से कनेक्टेड है तभी तो सुई आगे जा रही है इसका भी बोर्ड से कनेक्शन है यहां पर देखिए जहां जहां मैं रखता हूं जिस चीज़ चीज का बोर्ड से कनेक्शन है वहां वहां पर जो ये सुई है कुछ ना कुछ मूवमेंट करती है सोई से आगे जाने से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो चीज़ है इसका बोर्ड के साथ कनेक्शन है ठीक है जी अब मैं ये है इसका पता चल गया बोर्ड से कनेक्शन है अब दूसरे ऊपर लगाता हूँ तो ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा इसका मतलब है कि इसका तो बोर्ड के साथ कनेक्शन ही टूटा हुआ है इसका जो है इस पॉइंट का दरअसल जहाँ आई से आता है कहीं से भी आता है जिधर से भी ये आता है दरअसल उस जगह से कनेक्टेड ही नहीं है तो दोस्तों ये बोर्ड है बिल्कुल इसी तरह का मेरे पास कबाड़ के अंदर ये दूसरा बोर्ड मौजूद है ये कबाड़ के अंदर से मैंने दूसरा बोर्ड ढूंढा हुआ है ये देखें ये मोबाइल बिल्कुल ख़राब था इसको मैं इसकी जगह के ऊपर रखता हूँ अब मैं यही प्रैक्टिस इसके साथ भी करता हूँ इसकी मैं नेगेटिव के ऊपर रखता हूँ तो दूसरी देखिए इसका भी कनेक्शन बोर्ड के साथ मौजूद है आप देख रहे हैं कि आगे को जा रही है ना मल्टीमीटर की सुई तो इसके ऊपर रखता हूँ अब तो इसका भी कनेक्शन ठीक है इसका मतलब इसके तो कनेक्शन ठीक है ना तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास डिजिटल मीटर हो या एनालॉग हो आपने उसको बाज़ के ऊपर सेट कर देना है ठीक है जनाब दोस्तों ये मेरे पास जो है मल्टीमीटर की दो प्रोब्स हैं जब ये आपस में टच होती हैं आपस में शॉर्ट होती हैं तो एक बीप की आवाज़ हमें सुनाई देती है ठीक है अब शॉर्ट होने का मतलब ये है कि सारे का सारा करंट आगे को पास हो रहा है रास्ते में कोई भी किसी भी तरह की रेजिस्टेंस नहीं है ठीक है क्लियर हो गया जनाब देखिए अगर मैं यहाँ पर रख के यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी कनेक्ट करता हूँ तो ये सारी चीज़ें दरअसल आपस में कनेक्ट होती हैं ना तो इनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होती इसलिए भीप हमें सुनाई देती है ठीक है जी अब यहाँ पर हमने एक रख देना ये याद रखिए कि इसके कनेक्शन बिल्कुल ठीक है इस बोर्ड के कनेक्शन बिल्कुल ठीक है हमने ढूंढना है कि दरअसल यहाँ से कनेक्शन गया किधर है तमाम पुरजे जो इर्द गिर्द के हैं उनके साथ आप टच कीजिए बिशक आप पॉजिटिव रख लीजिए बिशक आप नेगेटिव रख लीजिए यहाँ पर मैं इसको इर्द गिर्द वाले जितने भी पुरजे हैं उनको सबको मैं कनेक्ट करके देखता हूँ कि कहाँ पर इसका कनेक्शन गया हुआ है अब मैं यहाँ पर लगा कर देखता हूँ ये देखिए ये कनेक्शन दरअसल यहाँ पर गया हुआ है यहाँ पर भी मौजूद है इधर मौजूद है यहाँ मौजूद नहीं है यहाँ पर भी इस रजिस्टेंस के साथ भी कनेक्शन मौजूद है यहाँ पर भी आया हुआ ठीक है हमें पता चल गया कि यहाँ से जब कनेक्शन निकलता है तो इधर से गुजरता हुआ यहाँ पर जाता है आगे को ये कहाँ पर जाता है हम आगे मज़ीद सर्च करते हैं यहाँ पर हम मुख्तल पुरजे जो हैं इनको कनेक्ट करते ही जाते हैं उसके लिए दोस्तों आपके पास बोर्ड होना चाहिए एक ये देखिए अब ये जो कनेक्शन है दरअसल यहाँ से चलता हुआ यहाँ गया और यहाँ से बोर्ड के अंदर चला गया और जाकर डिस्कवर हुआ यहाँ से ठीक है जी ये देखिए हमें हाँ पता चल गया ये सारे एक ही लाइन से कनेक्टेड आपने क्या करना है कि जो बोर्ड सही है उस पर लेकर एक नेगेटिव के अंदर बाकी इर्द गिर्द के सारे जिसने अभी कम्पोनेंट है सबको लगा कर देखना जहाँ पर आपको आवाज़ सुनाई दे जाए ना वहाँ पर समझिए कि आपका कनेक्शन उधर ही आया हुआ है ठीक है जी आप मुझे पता चल गया कि यार ये जो मेरा बोर्ड है इसका कनेक्शन जो है यहाँ पर इस पॉइंट का कनेक्शन इधर आया हुआ होगा उसके बाद ये जो मैं उतारूंगा ये चिप जो है इसके नीचे जो है मैं उतार के आपको दिखाता हूँ तो अब दोस्तों यहाँ पर अभी आप देखिए यहाँ से जो कनेक्शन है वो सीधा यहाँ पर गया हुआ होगा लेकिन ये देखिए कहीं पर भी अगर मैं लगाता हूँ तो बीप की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती इसका मतलब ये है कि यहाँ से कनेक्शन जो है इसका कनेक्शन यहाँ पर नहीं पहुँचा हुआ अगर आप तो मज़ीद और गौर करें तो आप देखो यहाँ पर ये यह जो एक जो है छोटा सा रजिस्टर लगा हुआ था ये यह रजिस्टर यहाँ पर दो रजिस्टर मौजूद हैं लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो तो सिर्फ एक रजिस्टर एक रजिस्टर यहाँ से टूट गया अब बेशक दोस्तों अगर देखिए मैं यहाँ पर रखता हूँ और उसके आगे कन्फर्मेशन करता हूँ तो ये कनेक्शन इधर गया हुआ होगा ना ये यहाँ पर ये यह कनेक्शन गया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये यह बिल्कुल ठीक है और लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्शन नहीं गया हुआ तो ये रजिस्टर है इसको मैं आपस में शॉर्ट कर दूँगा बेशक मैं इसको शॉर्ट कर दूँ बेशक मैं यहाँ से तार लगा कर एक जंपर लगा कर यहाँ पर लगा दूँ जो मुझे आसान लगे वो मैं काम कर दूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा तो दोस्तों जो शॉर्ट पॉइंट हो उनको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है आपने जंपर वायर लेनी है उसके ऊपर आपने जो है सोल्डर को रख के ना उसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन को फेर देना है तो वो जो तार है वो सोल्डर को पकड़ लेगी ठीक है उसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है कि आपने जो बोर्ड के ऊपर जिन दो पॉइंट्स को आपने जोड़ना है ना उसके ऊपर भी आपने थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर लगा लेना ये आला क्वालिटी का सोल्डरिंग आयरन है इससे आपने दोनों पॉइंट के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर लगा लेना ठीक है जब लग गया उसके बाद यह कि पहले पॉइंट के ऊपर आप तार को रखिए और सोल्डरिंग आयरन से उसको टच कर देंगे तो वो पकड़ लेगा उसके बाद थोड़ा सा अगला पॉइंट है उसके ऊपर आप तार को रखिए और यहाँ पर भी आप सोल्डरिंग आयरन से टच कर देंगे तो ये भी पॉइंट दोनों आप इसमें पकड़ लेंगे तो अब यहाँ पर आप तार को काट दीजिए देखिए दोनों तारों को आपस में शॉर्ट किया तो बीप की आवाज़ आ रही है अब इसके कनेक्शन टूटे थे यहाँ पर रख दिया दूसरी हमने यहाँ पर दवा कर देख रहे हैं सब जगह इसके कनेक्शन आ रहे हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इसका कनेक्शन जो है पहुँच रहा है यहाँ तो पहले टूटा ही नहीं था ना यहाँ का तो प्रॉब्लम ही नहीं था लेकिन मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि एक इसका यहाँ पहुँचा है नीचे वाला जो है इससे नीचे वाले रजिस्टर के साथ आता है इसलिए ये कनेक्शन है हम आसानी से ढूंढ सकते हैं तो आप दोस्तों इसके बाद आपने क्या करना है एक कंटेनर के अंदर आपने एल का जो है कतरा एक डालना है इस कतरे को आपने ये जो पॉइंट आपने लगाया है इसके ऊपर आपने यहाँ पर लगा देना चाहे आप तो इसके ऊपर लगाएंगे दस मिनट के बाद सूख जाएगा तो उसके बाद ये पॉइंट टूटेगा नहीं क्योंकि वैसे अगर हम पॉइंट लगा कर दें तो बाद में टूट जाते हैं तो दोस्तों ये जो तरीकाकार है अभी मैंने आपको बताया ना इसके अंदर तो आपके पास दो सर्कट होने चाहिए अगर दूसरा आपके पास सेम टू सेम वो मोबाइल फ़ोन नहीं है तो फिर आप जो है इसको तलाश नहीं कर सकते इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं इन श्रा आंदा वीडियोज़ के अंदर मैं आपको और टेक्निक्स भी बताऊँगा और वो भी बताऊँगा कि अगर सर्कट खुदा नास्ता अवेलेबल ही नहीं है तो फिर हम किस तरह से ट्रेसिंग करें वो भी ट्रेसिंग हो जाती है इनशाला वो भी मैं आइंदा वीडियो में आपको बताऊँगा तो मोजुस दोस्तों ये था मिसिंग पॉइंट को तो ढूंढने के हवाले तो दो से हमारी आपको मालूम वीडियो उम्मीद है आपकी मालूम में इजाफा हुआ होगा हम दोस्तों हमेशा आपसे एंड पर एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि बरए मेहरबानी प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करें क्योंकि हम आपकी एक एक लाइक्स को गिनते हैं बहुत शुक्रिया अगर आप इस तरह की रिपेयरिंग की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल देखने का बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़